बारिश का मौसम हो और गगमा गगम गर्म पकौड़े मिल जाएं आपको चाय के साथ में खाने को तो क्या ही कहने हैं एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिनी ब्रेड पकौड़ा बनाने की रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और बरसात के इन मौसम में ये पकौड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने लिए हैं चार मीडियम साइज़ के आलू मैंने इन्हें उबाल के और इसके छिलके को उतार के इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लिया है आप चाहें तो इसे ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं और फिर हम इसमें ऐड करेंगे वन टेबल स्पून अदरक इसे मैंने ग्रेटर की मदद से क्रश कर लिया है और फिर हम इसमें ऐड करेंगे दो हरी मिर्ची इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है और फिर हम इसमें ऐड करेंगे टू टेबल स्पून फ्रेश कोरिएंडर के लीव्स इसे भी मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है है और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून गर्म मसाला हम इसमें ऐड करेंगे और वन टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे अमचूर का पाउडर और फिर हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट को ऐड कर सकते हैं और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जो भी इसमें आलू के मोटे मोटे चंक्स आपको दिख रहे हैं उसे स्पून की बैक साइड से प्रेस करते हुए आप इस तरह से इसका जो मिक्सचर बनाकर रेडी कर लें तो इसे हम साइड पे रख देंगे और यहाँ पे मैंने लिया है अब एक मिक्सिंग बाउल और इसमें मैंने ऐड कर लिए हैं फाइव टेबल स्पून बेसन और बेसन को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून और वन टी स्पून हम इसमें सॉल्ट uh, ऐड करेंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी तो यहाँ पे मैंने एक कप पानी लिया है लेकिन पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करना है एक साथ सारा पानी आपको इसमें ऐड नहीं करना नहीं तो आपका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा रनी और पतला बन सकता है तो आप देख सकते हैं कि इसे इस तरह से हमने बनाकर रेडी करना है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी को ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करूंगी और इसे विस्कर की मदद से अच्छी तरह से हमें फेंटना है बेसन को आप जितनी अच्छी तरह से फेंटेंगे आपके जो ब्रेड पकौड़े की लेयर है वो ऊपर से उतनी ही ज्यादा स्मूथ बनकर रेडी होगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल इस तरह से हमें बेसन का जो बैटर है वो बनाकर रेडी करना है और इसे हम ना पांच से दस मिनट के लिए साइड पर रख देंगे रेस्ट करने के लिए ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए और फिर यहाँ पे मैंने ली है दो ब्रेड की स्लाइसिस मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड का यूज़ किया है आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं और फिर मैंने यहाँ पे लिया है टमेटो केचप और ये मैंने हरे धनिए की और पुदीने की चटनी ली है और इसे हम ब्रेड के ऊपर अप्लाई करेंगे आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं आप इसके बिना भी सिर्फ आलू के मिक्सचर से भी ब्रेड पकौड़ा बनाकर रेडी कर सकते हैं लेकिन इससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं तो यहाँ पे मैं एक ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर लूँगी टमेटो केचप तो यहाँ पे अच्छे से हम पूरी ब्रेड के ऊपर की जो लेयर है इस पर अच्छे से हम टमेटो केचप को अप्लाई कर लेंगे और फिर जो इसका दूसरी ब्रेड का स्लाइस है इसके ऊपर हम ये ग्रीन चटनी को अप्लाई कर लेंगे अगर आप टोटली इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ग्रीन चटनी को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें हरी मिर्ची ऐड ती है तो बच्चों को हरी मिर्ची खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता तो यहाँ पे हमारे दोनों स्लाइस रेडी हो चुके हैं और ये जो आलू का जो मसाला हमने बनाकर रेडी किया था यहाँ पे हम एक से दो चम्मच यहाँ पे ब्रेड के ऊपर इसे ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से स्पून की मदद से हम पूरे स्लाइस के ऊपर बिल्कुल इक्वली इसे स्प्रेड कर लेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो हम हमारी ब्रेड की दूसरी स्लाइस है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और अब हमें इसे कट करना है आप चाहें तो इसे नॉर्मली ब्रेड पकोड़े की शेप में कट कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे आज आपके साथ ना मिनी ब्रेड पकोड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो हम इसे पहले बीच से हाफ कर लेंगे और फिर हम इसे आ, ऐसे चार टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे ये देख सकते हैं आप इस तरह से मैंने इसे बनाकर रेडी कर लिया है तो बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी ब्रेड के स्लाइसेस को रेडी कर लिया है कट करके तो आ अब हम जो ये बेसन हमारे पास है इसमें हम इसे इस तरह से कोट करके अच्छे से और फिर हम इसे फ्राई करेंगे लेकिन हमें ये स्टेप गैस के फ्लेम के पास ही करना है तो यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है ऑयल आपका मीडियम हॉट होना चाहिए तो अब हम एक ब्रेड के सैंडविच को इस तरह से लेंगे और इसे बेसन में इस तरह से ना कोट कर लेंगे आप ऐसे स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से कोट कर सकते हैं इससे आपके जो हाथ हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे और आपका जो ब्रेड पकौड़ा है वो भी बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा तो इसी तरह से सभी हम ब्रेड के जो सैंडविच हैं उसे बेसन में ऐसे स्पून की मदद से कोट कर लेंगे अच्छे से और फिर हम इसे ऐसे ऑयल में ड्रॉप करते जाएंगे इस तरह से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है ब्रेड पकौड़ा बनाना आ, तो इसे कुछ देर के लिए हम टच नहीं करेंगे और थोड़ी देर के बाद हम इसे स्पून की मदद से इस तरह से ऑयल को ब्रेड पकौड़ा के ऊपर डालते रहेंगे ताकि हमारे जो ब्रेड पकौड़ा के ऊपर की जो लेयर है वो भी अच्छी तरह से सिक जाए और इसकी जो ऊपर की लेयर है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए तो इसे अलट पलट के हम फ्लिप करते हुए दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और गैस के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और मीडियम ही फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो ब्रेड पकौड़ा है उसकी जो ऊपरी लेयर्स है उसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है तो बिल्कुल इसी तरह से आपने अपने ब्रेड पकोड़ा को फ्राई करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्रेड पकोड़ा है उस पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन नाइसली कलर आ चुका है तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे तो बाहर निकालते टाइम हम इसको एक नेट के ऊपर निकालेंगे ताकि ये सोगी ना हो और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो नेट के ऊपर निकालने से बिल्कुल निकल जाता है तो इसी तरह से आपने इसे नेट पर निकाल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो ब्रेड पकोड़ा है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और बाकी के जितने भी बचे हुए हमारे ब्रेड पकोड़ा हैं उसे भी हम सेम प्रोसेस से इसी तरह से फ्राई कर लेंगे तो बरसात के मौसम में ये जो ब्रेड पकोड़ा है ना ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं और अपने गेस्ट के सामने भी आप इसे सर्व कर सकते हैं बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं आप बच्चों की बर्थडे पार्टी में इसे एज अ स्टार्टर भी बनाकर सर्व कर सकते हैं ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी ब्रेड पकोड़ा हमारे फ्राई हो चुके हैं और यहाँ पे इन पर बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ चुका है आप चाहें तो इसे एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं लेकिन मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ तो हम इसे रेक्टेंगल शेप में ऐसे कट कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अंदर से कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और बाहर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है तो आप इन बरसात के मौसम में इन मिनी ब्रेड पकोड़ा को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपके मिनी ब्रेड पकोड़ा कैसे बने और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ब्रेड पकौड़ा अंदर से भी कितना ज़्यादा अच्छा बना है बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो गया है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा होपफुली आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इस ब्रेड पकौड़ा को ना किसी भी छोटी मोटी पार्टी के स्टार्टर में बना सकती हैं क्योंकि ब्रेड पकौड़ा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो मैंने इसे ट्राई किया है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा आई होप कि आप को ये मेरी आज की मिनी ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अला हाफिज़